Hello, greetings to all of you. Welcome to Let's Crack SSC and Railway Examination. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना. अब Unacademy Studios Engrave जाना जाता है Let's Crack SSC and Railway Exams के नाम से. तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए, दोपहर के ढाई बज चुके हैं. मेरा नाम है कासिफ अंसारी. जितने लोग चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. इस वीडियो को फटाफट सब लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकें. बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी का. फटाफट सब लोग आ जाइए भाई, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. रोहन रावत, बहुत बहुत स्वागत है सभी का. ऋतिक शर्मा आ जाइए, बहुत ही बढ़िया बेटा. आज क्या है ना बेटा, मैं आप कि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी खराब चल रही है. मेरी तबीयत बेटा थोड़ी सी खराब चल रही है आजकल, और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि क्लासेस हो नहीं पा रही सही से, बहुत ज्यादा अच्छे से. ठीक है, आज बेटा आपकी CDS वाली जो 12:30 बजे क्लास होती है वो भी नहीं हो पाई. कारण ये है कि मुझे कहीं जाना था टेस्ट वगैरह के चक्कर में, इस वजह से मैं नहीं करा पाया. ठीक है, लेकिन कोई टेंशन ना लीजिए, अभी भी हमारे पास समय बाकी है, हम उसे पूरा करेंगे, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सभी का. तो आज की क्लास क्या है, तो भाई देखो, आज हमारा करंट अफेयर्स Day 9 है. क्वेश्चन सितंबर के डिस्कस होंगे, तो आज बेटा क्वेश्चन सितंबर के डिस्कस होने वाले हैं. फटाफट शेयर कर दो यार, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 24 लोग ही वॉचिंग हैं, 200 पहुंचना है भाई हमें. तो आज सितंबर के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे करंट अफेयर्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो करंट अफेयर्स है बेटा, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो आज भारत के हर एग्जाम में पूछी जाती है. आप भारत में बच्चों कोई भी पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर दे रहे हो, ठीक है. ओके सुपरमैन. ठीक है, तो होता यह करंट अफेयर्स बेटा हर एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे आप SSC का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, CPO हो, चाहे बेटा आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो बेटा CDS हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, AFCAT हो, INET हो, टेरिटोरियल आर्मी हो, NDA हो, आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर दे रहे हो किसी भी स्टेट का. सो हर एग्जाम में बच्चों याद रखिएगा कि आपका जो ये है क्या नाम है करंट अफेयर्स, वो जरूर आता है, तो उसको बेटा मिस नहीं कर सकते. सो करंट अफेयर्स हम लोग यहां पर पूरे ईयर की कर रहे हैं, पूरा ईयर 2019 का पूरा साल कर रहे हैं. 8 महीने का हम करंट अफेयर्स कर चुके हैं, January to August. आज हम लोग करने वाले हैं बेटा September. So, आज सितंबर की क्लास हमारी यहां पर होगी. ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी तैयार की जा चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के सारे क्लासेस देख सकते हैं 1 से लेकर 12 तक. याद रखिएगा टोटल 360 क्वेश्चंस हैं बेटा, इससे कम आपके लिए और कोई कुछ नहीं कर सकता. मैं चाहता तो आपको PDF भी दे देता लेकिन PDF होने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप PDF पढ़ते नहीं. तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, और बेटा हर महीने के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए. ठीक है बच्चों, भाई फटाफट सेशन शेयर करते रहो यार, फटाफट. ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको हमेशा अपने बारे में बताता हूं. मेरा नाम कासिफ अंसारी है बच्चों, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस समय 10 साल से ज्यादा हो चुका. इस दौरान भारत के मैंने सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो. इस दौरान मैंने SSC डिफेंस स्टेट PCS UPSC लेवल हर लेवल के बच्चों को पढ़ाया हुआ है. मैंने इस दौरान जो है बेटा 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाए, और मैंने खुद भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हैं. दोपहर को 2:30 बजे मैं यहां पर आता. जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है भाई, अब तो कोई परेशानी नहीं है, चल रही है ना. अरे बफरिंग नहीं हो रही है, सब ठीक है बच्चों, सब परेशानी नहीं है कोई. ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर बेटा आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सेशंस मिलते हैं, एक सब्सक्रिप्शन लेना है अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है. याद रखिएगा Unacademy Plus पर कोई भी क्लास जो होती है रिकॉर्डेड नहीं होती है, सारी लाइव क्लासेस होती हैं. आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और वीडियोस को डाउनलोड करके बाद में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहें तब देख सकते हैं. ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है, टेलीग्राम ऐप मेरा याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा GS कासिफ अंसारी, वहां से आप ले सकते हैं. ठीक है, याद रखिएगा Unacademy Plus पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहां पर हैं. याद रखिएगा, कहते हैं यू नेम इट वी हैव इट, हर एक एजुकेटर बेटा Unacademy Plus पर मौजूद है.
इसके साथ साथ आप हमारे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 1 महीने 3 महीने 6 महीने 12 महीने 24 महीने। सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन बेटा 12 महीने का है जो कि ऑलमोस्ट 6000 रुपये का पड़ता है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन उन लोगों के लिए होता है जो अभी ग्रेजुएशन में नए हैं और धीरे धीरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा QA लाइव, मेरा कोड इस्तेमाल करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये कोड जरूर इस्तेमाल करेंगे सभी लोग आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। सब लोग आ चुके हैं, चलो भाई फटाफट आ जाओ भाई, सब लोग फटाफट, सितंबर शुरू हो रहा है, जल्दी आ जाओ। तो भाई जल्दी आ जाओ सब लोग, फटाफट शेयर करो। 58 से काम नहीं चलेगा बेटा, 200 करने हैं। एक तो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूं मैं, तुम्हारे लिए मेहनत कर करके मैं बीमार हो गया है ना, आप लोग सेशन शेयर भी नहीं करेंगे भाई, ये बड़ी खराब बात हो गई। ठीक है, चलिए भाई जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नौरू आइलैंड्स। नौरू आइलैंड्स याद रखिएगा बेटा, एक बहुत छोटा सा पैसिफिक आइलैंड है जिसका नाम है नौरू, याद रखिएगा। बहुत ही रिसेंट नेशन है ये, IMF में भी जुड़ा था। और याद रखिएगा कि नौरू आइलैंड्स के नए बेटा प्राइम प्रेसिडेंट कौन बने हैं। सो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ नौरू आइलैंड, बैरोन वाका, डेविड एडलैंग, लियोने एंजेमिया या हैमर डी रॉबर्ट या रोलैंड कुन, जल्दी बताइए। सो नौरू आइलैंड के नए प्रेसिडेंट अभी बने हैं बेटा लियोनेल एंजेमिया, याद रखिएगा। ये व्यक्ति बहुत ही फेमस वहां पर हैं, याद रखिएगा। और बच्चों ये वहां पर जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। सो बहुत बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं लियोनेल एंजेमिया, याद रखिएगा ये बने हैं बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी चांसेस हैं। दूसरा, वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया का पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील्स द लाइफ लाइन एक्सप्रेस हैज बीन इनॉग्रेटेड, याद रखिएगा। ट्रेन में अस्पताल, याद रखिएगा। ये कहां पर किया गया है, याद रखिएगा, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, दुनिया का पहला हॉस्पिटल है बेटा ऑन व्हील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहां पर बनाया गया है जल्दी बताइएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। तो बेटा राइट आंसर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बॉम्बे CST, याद रखिएगा। वहां पर वर्ल्ड्स फेमस द लाइफ लाइन एक्सप्रेस ट्रेन, याद रखिएगा, पहली ट्रेन है, विल मूव टू साहिबगंज इन झारखंड फ्रॉम मुंबई, याद रखिएगा। तो अभी ये मुंबई में है और मुंबई से ये ट्रेन चलकर जाएगी साहिबगंज, मुंबई से ये ट्रेन कहां चल के जाएगी, साहिबगंज। साहिबगंज कहां है बेटा, साहिबगंज जो है वो आपका जो है, याद रखिएगा, आपका झारखंड में है। तो ट्रेन जो है मुंबई से साहिबगंज बोले तो झारखंड चलते हुए जाएगी, याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर बेटा, ऑपरेशन थिएटर है, पैथोलॉजी लैब है, मेमोग्राफी यूनिट है, गायनेकोलॉजी एग्जामिनेशन रूम है, डेंटल यूनिट है, फार्मेसी है, कंसल्टेशन क्यूबिकल्स हैं, एक्सरे यूनिट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पूरा एक तरह का अस्पताल है जो कि ट्रेन में है। और याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे आप मुंबई CST कहते हैं, वहां से ट्रेन चलकर साहिबगंज झारखंड जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। फटाफट 87 वॉचिंग है, शेयर करते रहिए। तीसरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। हमारे देश में सबसे लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल, इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल एम वेंकैया नायडू ने बेटा अभी, याद रखिएगा, ये की है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, 112 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, 112 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, कृष्णापट्टनम से ओबिला वर्ली पल्ली तक, याद रखिएगा। सो ये जो है कृष्णापट्टनम से ओबिला वर्ला पल्ली जो है आंध्र प्रदेश में, 112 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर इलेक्ट्रीफाइड टनल बनाई गई हैं दो, जो कि एक 6.7 किलोमीटर की है और दूसरी 1 किलोमीटर की है। तो बेटा ये इलेक्ट्रीफाइड टनल है 6.7 किलोमीटर की आंध्र प्रदेश में, जिसको भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, Who has been conferred with the Lamp of Peace of Saint Francis Award by the Vatican
फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड स्टैब्लिशिंग पीस एंड हारमनी। तो किस व्यक्ति को बेटा ये अवार्ड दिया गया है? लैंप ऑफ पीस ऑफ सैंट फ्रांसिस। ये बेटा वैटिकन के लिए, वैटिकन देता है पीस और हारमनी के लिए। ये किसको दिया गया है? मनमोहन सिंह, अन्ना हजारे, मोहम्मद यूनुस, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं पीस प्रोसेस के लिए काम करते हैं। तो जल्दी बताइए किसको मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है बेटा, याद रखिएगा। लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस अवार्ड बाय द वैटिकन फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग पीस एंड हार्मनी। बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को मिला है, याद रखिएगा। बांग्लादेशी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं बांग्लादेश के, जिन्होंने बांग्लादेश में एक बहुत ही फेमस बैंक बनाया था जिनका नाम था ग्रामीण बैंक। और याद रखिएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है नोबेल प्राइज विनर भी हैं अलॉन्ग विद द ग्रामीण बैंक, याद रखिएगा। नोबेल प्राइज विनर भी हैं अलॉन्ग विद द ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक दुनिया का पहला बैंक है जिसे नोबेल प्राइज मिला था, याद रखिएगा, पीस के लिए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिन्हें बेटा बैंकर टू द पुअर्स भी कहा जाता है, गरीबों के बैंकर थे ये। इन्हें जो है बेटा बहुत ही फेमसली फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस भी कहा जाता है, दुनिया में माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट जो है सबसे पहले यही लेकर आए थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अब बांग्लादेशी इकोनॉमिक्स प्रोफेसर ऑफ द ढाका यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, तबीयत थोड़ी सी डाउन है बट ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा कॉपरेट करते रहिए, क्लास चलती रहेगी, कोई समस्या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। देखो बेटा डिफेंस वालों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2019 वॉज कंडक्टेड इन सेप्टेम्बर 2019। इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, जल्दी बताओ बेटा, इंडिया और किसके बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी? इसका नाम था युद्ध अभ्यास। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दी बताइए इंडिया और किसके बीच थी, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास जो है बेटा इंडिया और यूएसए के बीच हुई थी, और ये जो आपकी एक्सरसाइज हुई है ये लुइस मैनकॉर्ड वॉशिंगटन में हुई थी, 5 से लेकर 18 सितंबर तक। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, इंडिया और यूएसए के बीच वॉशिंगटन में हुई थी 5 से 18 सितंबर के बीच, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक्स एंड एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी अंडर द कॉर्पोरेट एजेंसी टाइप लॉन्च्ड एन इनोवेटिव मॉस्किटो डिजीज प्रोटेक्शन पॉलिसी। सो मॉस्किटो डिजीज प्रोटेक्शन पॉलिसी बेटा किसने निकाली है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। आजकल मालूम है मॉस्किटो से रिलेटेड हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे मलेरिया है, चिकनगुनिया है, जापानीज एनफेलेसराइटिस है, काला आजार है, लिम्फेटिक फिलेरिया है जिसे एलिफेंटाइटिस कहते हैं, जीका वायरस है, तो ये सब जो है मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज हैं। सो एचडीएफसी और अर्गो जनरल इंश्योरेंस और किस पेमेंट बैंक के साथ मिलकर किया गया है? राइट आंसर बेटा जो है वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, राइट आंसर इज बी, दैट इज एयरटेल पेमेंट्स बैंक। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक और एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर के मॉस्किटो डिजीज प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी है। 7, द वर्ल्ड रेबीज डे, रेबीज डे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेबीज डे आपका कब बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी बताइएगा। रेबीज डे जो है याद रखिएगा सन 2007 से बनाया जा रहा है, ठीक है, और याद रखिएगा रेबीज डे जो है बेटा वो 28 सितंबर को बनाया जाता है, 28 सितंबर को। ये 28 सितंबर को क्यों मनाया जाता है बेटा? ये डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फ्रेंच केमिस्ट, फ्रेंच के बहुत फेमस केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुआ करते थे लुइस पैश्चर, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर ये मनाया जाता है। लुइस पैश्चर के बारे में आपने मालूम होगा कि लुइस पैश्चर ने दुनिया की सबसे पहले रेबीज वैक्सीन बनाई थी। सो दुनिया की पहली रेबीज वैक्सीन जो है लुइस पैश्चर ने बनाई थी, और उनके मरने पर ही 28 सितंबर को बेटा मनाया जाता है, सन 2007 से मनाया जा रहा है, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट अरब टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पहला इंसान अरब वर्ल्ड से जो कि ISS पहुंचा है, क्वेश्चन नंबर आठ जल्दी बताइए कौन इंसान है, याद रखिएगा, फर्स्ट अरब पर्सन, ठीक है बेटा, जल्दी बताइएगा।
जो कि पहुंचा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, अब्दुल्ला अजनायर, फारूक अलबज, हज़ा अल मंसूरी, मागी याकूब या शमिया अल अमौदी, या जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो पहले अरब के व्यक्ति जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे हैं उनका नाम है हज़ा अल मंसूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूएई के हैं, सो यूएई से हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट से हैं, याद रखिएगा। ये रशिया के साथ गए थे, याद रखिएगा, रशियन स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम था सोयूज MS-15, सो सोयूज MS-15 के साथ ये गए थे, याद रखिएगा। 25 सितंबर को बेटा ये स्पेस में पहुंचने वाले पहले पर्सन फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। राइट आंसर इज हज़ा अल मंसूरी फ्रॉम यूएई, जो कि रशियन एयरक्राफ्ट सोयूज MS-15 में गए थे, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने की बहुत चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज बैग्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर ओवरऑल ग्रोथ इन टूरिज्म कैटेगरी। सो टूरिज्म में हमारे देश में किस राज्य को सबसे ज्यादा कहते हैं बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है, सबसे ज्यादा टूरिज्म भारत में कहां आया है, जल्दी बताइएगा फटाफट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा स्टेट जो है बेटा, याद रखिएगा, ओवरऑल ग्रोथ इन टूरिज्म कैटेगरी, सो ओवरऑल ग्रोथ जो है टूरिज्म कैटेगरी में जो है बेटा, राइट आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश को यह अवार्ड दिया गया 27 सितंबर को, 27 सितंबर आप जानते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश को ये दिया गया है। सो आंध्र प्रदेश में टूरिज्म कैटेगरी सबसे ज्यादा बढ़ी है, याद रखिएगा। उत्तराखंड को भी अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म प्रमोशन फ्रेंडली स्टेट, सो बेस्ट फिल्म प्रमोशन फ्रेंडली स्टेट जो है उत्तराखंड है, और तेलंगाना हैज वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टेट फॉर द इनोवेटिव यूज ऑफ आईटी, कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करने वाला जो स्टेट बना है वो है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश जो है टूरिज्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है, और फिल्म प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट जो है वो आपका माना गया है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन अवार्डेड राइट लाइवलीहुड अवार्ड नोन एज द स्वीडेंस ऑल्टरनेटिव नोबेल। ये क्वेश्चन बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं, ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है बेटा। इस लड़की को क्योंकि टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर भी बताया है, इस बच्ची को जो है टाइम्स मैगजीन ने बेटा पर्सन ऑफ द ईयर भी बताया है, याद रखिएगा। इसे बेटा स्वीडन का अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहते हैं, ग्रेटा थनबर्ग, पायल जांगीर, रिधिमा पांडे, वरंगी मथाई या जेन्स गुडबॉल, ये व्यक्ति जो है बेटा टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर भी है। ये एक स्टूडेंट है बेटा स्वीडन की, इसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग याद रखिएगा, इन्हें जो है बेटा क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो कि कई महीनों तक स्वीडन की पार्लियामेंट के बाहर बोर्ड लेकर बैठी रहीं कि बेटा जो है क्लाइमेट को देखो, क्लाइमेट बदल रहा है, इनके बाद में लोगों ने इनके ऊपर देखा। सो याद रखिएगा ग्रेटा थनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, और याद रखिएगा टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर भी हैं 2019 की ग्रेटा थनबर्ग, याद रखिएगा। सो एक छोटी बच्ची है जिसने क्लाइमेट चेंज को लेकर एक मुहिम शुरू करी थी स्वीडन में, और पार्लियामेंट के सामने कई महीनों तक बैठी रही थी, ठीक है बेटा, ग्रेटा थनबर्ग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यह है, और ये इसकी एग्जाम में आने की चांस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11, मेगन रैपिनो वन द बेस्ट फीमेल प्लेयर एट द फीफा फुटबॉल अवार्ड हेल्ड इन इटली ऑन 23rd September, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। दो तरह क्वेश्चन बन गए, एक तो मेगन रैपिनो बेस्ट फीमेल प्लेयर फीफा अवार्ड, याद रखिएगा, सो फीफा में बेस्ट फीमेल अवार्ड, याद रखिएगा, मेगन रैपिनो को मिला, ये कौन से देश की है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही फेमस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर मेगन रैपिनो की बात करें तो शी बिलोंग्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, सो शी बिलोंग्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, इन्हें जो है बेस्ट फीमेल प्लेयर एट फीफा फुटबॉल अवार्ड जो कि इटली में हुआ था, याद रखिएगा, सो शी बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत ही बढ़िया, फटाफट बेटा शेयर करते रहो, 133 वॉचिंग है, आज 200 पहुंचाना है, मेरी साख लगी हुई है, समझ सकते हो, मेरी इज्जत की बात है, अब तो तुम लोग मेरी इज्जत के लिए कुछ ना कुछ करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च द डिजिटल बैंकिंग ऐप योनो इन द यूके। सो किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग ऐप योनो लॉन्च करी है यूके में, जल्दी बताइएगा, तो जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रजनीश कुमार, याद रखिएगा, ठीक है, एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने
ये डिजिटल बैंकिंग ऐप योनो में की है। याद रखिएगा राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा राइट आंसर इज सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 13, विच सिटी होस्टेड द 16th ग्लोबल एसएमई बिजनेस समिट 2019। एसएमई समझ रहे हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बेटा जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल एसएमई समिट 2019 कहां हुई थी। याद रखिएगा यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एंड रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मंत्री हैज इनॉग्रेटेड द 16th ग्लोबल एसएमई बिजनेस समिट 2019। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये समिट कहाँ हुई थी बेटा, याद रखिएगा ये समिट न्यू दिल्ली में हुई है, दिल्ली में ये समिट हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार इस समिट का थीम क्या था, ठीक है, समिट का थीम था मेकिंग इंडियन एमएसएमई, मेकिंग इंडियन एमएसएमई ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, ठीक है बेटा, इसका ये थीम था मेकिंग इंडियन एमएसएमई ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, ये इसका थीम था। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम थी बेटा, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई को लेकर ये हुई थी थीम, ठीक है, मेकिंग इंडियन एमएसएमई ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी है। 14, द वर्ल्ड मैरी टाइम डे वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, जल्दी बताइए, वर्ल्ड मैरी टाइम डे। सो मैरी टाइम डे याद रखिएगा कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मैरी टाइम, जल्दी बताइए क्यों नहीं प्ले हो रही है बेटा। अगर डे 6 और 7 किसी का प्ले नहीं हो रहा है टेंशन ना लीजिए, मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नहीं चल रहा है चल जाएगा, ठीक है बेटा। वर्ल्ड मैरी टाइम डे ऑब्जर्व्ड किस दिन हुआ था, याद रखिएगा जो वर्ल्ड मैरी टाइम डे है वो हमेशा लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को बनाया जाता है। लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर जो है वो 26 सितंबर को बनाया गया वर्ल्ड मैरी टाइम डे। और याद रखिएगा इस बार जो थीम थी वो थी एम्पावरिंग वुमेन इन द मैरी टाइम कम्युनिटी, ठीक है बेटा, याद रखिएगा एम्पावरिंग वुमेन इन मैरी टाइम कम्युनिटी, ठीक है बेटा। सो एम्पावरिंग वुमेन इन द मैरी टाइम कम्युनिटी इसकी थीम थी। वर्ल्ड मैरी टाइम डे 26 सितंबर को बनाया गया, वेरी गुड, राइट आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द 17th रामानुजम प्राइज फॉर 2019, ठीक है, 17th रामानुजम प्राइज 2019 2015। क्वेश्चन जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर 17th रामानुजम प्राइज, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा ये रामानुजम प्राइज जो है बेटा मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है और ये मैथमेटिशियन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा 17th रामानुजम प्राइज जो है इंग्लैंड के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन जिनका नाम है एडम हार्पर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक इंग्लैंड में पढ़ाते हैं बेटा, याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक इंग्लैंड में पढ़ाते हैं ये एडम हार्पर, और इन्हें जो है प्राइज दिया गया है 17th रामानुजम प्राइज 2019 का। इस प्राइज में बेटा $10,000 दिए जाते हैं, याद रखिएगा $10,000 का प्राइज मनी भी होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वन द सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो कि पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, जल्दी बताइए किसने जीता है, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा यहाँ किसने जीता है बेटा, याद रखिएगा अगर पूछा जाए सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, सो सीनियर वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप बेटा मणिपुर ने जीती है रेलवे को हराकर 1-0 से, और इस पूरी चैंपियनशिप में इंडिया इंटरनेशनल बाला देवी याद रखिएगा बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं जो कि आपकी मणिपुर से हैं, और इन्होंने बेटा 21 गोल मारे थे 6 मैचेस में, सो 6 मैचेस में 21 गोल मारे थे बाला देवी ने इस पूरी चैंपियनशिप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोनेरू हम्पी हु रिसेंटली वन द वर्ल्ड टाइटल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17, कोनेरू हम्पी, जल्दी बताइए,
ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुनेरू हम्पी जो है, जो वर्ल्ड टाइटल जीता है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है जल्दी बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कुनेरू हम्पी हमारे भारत की एक बहुत ही फेमस चेस मास्टर हैं बेटा। राइट आंसर सी है, चेस मास्टर कुनेरू हम्पी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सी होगा, चेस। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ हाउसिंग लोन सब्सिडी स्कीम अपोनर अपॉन घर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑन परचेज ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट हाउस फॉर द फैमिली। तो जल्दी बताइए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ हाउसिंग लोन सब्सिडी स्कीम अपोनर अपॉन घर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट हाउस ऑफ द फैमिली। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी बताइए। ठीक है जल्दी बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, किस राज्य ने दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ई, झारखंड। और यहां पर याद रखिएगा कि अगर आपके पास 40 लाख रुपए तक का लोन है तो राज्य सरकार जो झारखंड की है वो आपको 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी, 2.5 लाख रुपीस की सब्सिडी यहां पर मिलेगी। ठीक है बेटा, सो 2,50,000 की सब्सिडी यहां पर दी जाएगी। मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस कमिटी लिमिटेड हैज साइंड अ बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, जल्दी बताइए। मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ। क्वेश्चन नंबर 19, फास्ट आंसर जल्दी बताइएगा। मैक्स ब्यूपा ने, जल्दी बताइए किसके साथ किया गया है, जल्दी बताइए। तो मैक्स ब्यूपा ने किसके साथ किया है, यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। बैंक इंश्योरेंस का मतलब होता है कि बैंक आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। राइट आंसर इज इंडियन बैंक। सो इंडियन बैंक के साथ मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी काफी फेमस है, यूनाइटेड स्टेट्स की काफी फेमस कंपनी है, ब्यूपा याद रखिएगा, उसके साथ है। ठीक है बेटा, Who has been conferred with the first Gauri Lankesh National Award for Journalism? Important question बेटा। Gauri Lankesh आपको मालूम है बहुत ही famous journalist हैं, जिनको पिछले साल जो है भारत में मार दिया गया था, Gauri Lankesh जी को। अब उनके नाम पर award शुरू किया गया है, journalism के लिए दिया जाता है। तो पहला Gauri Lankesh award किसको दिया गया, तब समझ ही सकते हैं किसको दिया जाएगा। So Gauri Lankesh Trust बनाई गई है, और Gauri Lankesh ट्रस्ट ने ये अवार्ड किसको दिया है, तो बेटा हमारे देश के काफ़ी बोल्ड पत्रकार रवीश कुमार जी को ये अवार्ड मिला है, जो कि रमन मैगेसे अवार्ड से भी नवाजे गए चुके हैं इस साल। ठीक है बेटा, सो रवीश कुमार को इस साल आप देख सकते हैं, दो अवार्ड दिए गए हैं, Gauri Lankesh अवार्ड, इसके साथ साथ रमन मैगेसे अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 21, द यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड Which initiative to tackle inherited genetic disorders in newborns? जल्दी बताइएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनियन मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन has launched which initiative to tackle inherited genetic disorders in newborns? जल्दी बताइए। सो newborns में जो है inherited genetic disorders को पकड़ने के लिए कौन सी जो है बेटा initiative इन्होंने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेटा किसने, ये इस स्कीम का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उम्मीद। सो उम्मीद नाम की ये स्कीम बनाई है, याद रखिएगा, तो कि इनहेरिट की जा सके जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि न्यूबॉर्न्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द फोर्थ एडिशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 वॉज हेल्ड वेयर, जल्दी बताइए। द फोर्थ एडिशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस, जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुई है, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली। सो याद रखिएगा, द फोर्थ एडिशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 जो है, राइट आंसर सी है बेटा, बैंगलोर में हुई है, और इसका थीम था मेन स्ट्रीमिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो मेन स्ट्रीमिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट आंसर इज सी, दैट इज बैंगलोर। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 बेटा। देखो, हर महीने में आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके एग्जाम में आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूएन क्लाइमेट चेंज समिट 2019 कहां हुई है, जल्दी बताइएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा, ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो कहाँ हुई है बेटा, न्यूयॉर्क, टोक्यो, प्योंगयांग, पेरिस या टोरंटो में।
सो यूएन क्लाइमेट चेंज समिट 2019 की कहां हुई है, याद रखिएगा ये न्यूयॉर्क में हुई है, जनरल असेंबली के हॉल के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के, और याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो ग्यूटरेस कॉल्ड द वर्ल्ड लीडर्स टू ब्रिंग फोर्थ द कंसेप्ट प्लान्स एंड एम्बिशियस एक्शंस टू सॉल्व द क्लाइमेटिक क्राइसिस। याद रखिएगा इस पूरी समिट का जो मेन एम था वो पेरिस एग्रीमेंट को जो है एनफोर्स करना था। पेरिस एग्रीमेंट बनाया गया था ताकि लोग जो हैं क्लाइमेट चेंज के प्रति काफ़ी काम कर सकें, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। और भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने। हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल इन द चाइना ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। सो चाइना ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने जीता है, जल्दी बताइएगा, ठीक है बेटा। चाइना ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है आपकी जियांसू चाइना में हुई थी, याद रखिएगा, और इसको किसने जीता है, राइट आंसर जल्दी बताइएगा बेटा, जापानीज बैडमिंटन प्लेयर जिनका नाम है केनोटो मोमोटा, ठीक है, राइट आंसर इज केंटो मोमोटा, याद रखिएगा, केंटो मोमोटा ने जो है चाइना ओपन बैडमिंटन जीता है काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट वन द 3 प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज वन द 3 प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड्स, किसने जीते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अवार्ड जो है बेटा अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पाटा अवार्ड जिसे कहते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट वन द 3 प्रेस्टिजियस अवार्ड, याद रखिएगा, राइट आंसर इज डी, केरला ने जीते हैं बेटा। सो केरला ने, राइट आंसर जो है वो डी होगा, याद रखिएगा, पाटा अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 26, द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस इज सेलिब्रेटेड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन विच डे। सो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, क्वेश्चन नंबर 26, सो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेजेस, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बेटा सी होगा, 23 सितंबर को। सो 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस बनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस बार जो इसका थीम था वो था साइन लैंग्वेज राइट्स फॉर ऑल। सो साइन लैंग्वेज राइट्स फॉर ऑल इसका जो है बेटा इस बार थीम था, 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। इंडियाज फर्स्ट एनवायरमेंटल स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला एनवायरमेंटल स्कूल, वर्ल्ड एनवायरमेंटल स्कूल विल कम अप इन विच स्टेट। तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल स्कूल बेटा हमारे देश में बनाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं एनवायरमेंट को लेकर हमारे देश में जागरूकता बढ़ रही है बेटा, ठीक है। सो जल्दी बताइए ये भारत का पहला एनवायरमेंटल स्कूल कहाँ बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत का पहला एनवायरमेंटल स्कूल कर्नाटका के कूर्ग में बनाया जाएगा। सो कर्नाटका के कूर्ग में इंडियाज फर्स्ट एनवायरमेंटल स्कूल जिसका नाम वर्ल्ड एनवायरमेंटल स्कूल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 27, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द मालदीव्स टू स्ट्रेंथन कैंसर केयर इन द आइलैंड नेशन। सो कैंसर केयर बढ़ाने के लिए भारत के किस राज्य ने जो है मालदीव्स के साथ MOU साइन किया है, जल्दी बताइएगा, ठीक है, ताकि बेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काम हो सके कि यहाँ पर जो है बेटा जो आपका आइलैंड नेशन है आपका जिसका नाम है मालदीव्स, वहाँ पर कैंसर केयर को बढ़ाया जा सके। तो ये जो है बेटा आपका राइट आंसर है बी, दैट इज केरला ने साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 19, विच एमिनेंट मैथमेटिशियन हैज बीन अवार्डेड द एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड 2019 इन द US। तो जल्दी बताइए किस एमिनेंट मैथमेटिशियन को जो है एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड 2019 दिया गया है US में, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे देश के बेटा बहुत ही फेमस व्यक्ति, आपने नाम सुना होगा, प्रोफेसर आनंद कुमार साहब, आनंद कुमार जो कि सुपर 30 के मालिक भी हैं, ठीक है, और उन्हें ही बेटा ये दिया गया है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आनंद कुमार द फाउंडर ऑफ सुपर 30, तो सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। मिस्टर आनंद कुमार रिसीव दिस अवार्ड बाय द फाउंडेशन ऑफ एक्सलेंस एट अ सेरेमनी ऑन 25th एनिवर्सरी ऑर्गेनाइजेशन इन सैन जोस कैलिफोर्निया। सो सैन जोस कैलिफोर्निया में अवार्ड दिया गया। लास्ट क्वेश्चन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आने की। यूनेस्को हैज नेम्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी फॉर द ईयर 2019 इन द रिकॉग्निशन ऑफ सिटीज कंटिन्यूस एफर्ट्स इन प्रमोटिंग बुक्स एंड लिटरेसी। जल्दी बताइए, तो यूनेस्को ने किस शहर को जो है बेटा याद रखिएगा वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी बनाया है? न्यू दिल्ली, शारजा, टोक्यो, लंदन, पेरिस, जल्दी बताइएगा। सो यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी बेटा याद रखिएगा शारजा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई का शहर शारजा जो है बेटा इसे बनाया गया है। कंटिन्यूस एफर्ट इन्होंने दिखाया है बुक और लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए। 30 क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे सितंबर के। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया तो जल्दी बताइए। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट पूछ लीजिए। कितने मार्क्स आए भाई जल्दी बताओ। हाँ भाई, कितने मार्क्स आए लोगों के? आइए देखते हैं भाई लोगों के कितने मार्क्स आए। नहीं हुआ बेटा चिन्मय, बेटा मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। आज मुझे सुबह डॉक्टर के पास जाना पड़ गया बेटा, और बीमार था मैं, ठीक है, इस वजह से नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन टेंशन ना लीजिए, कल क्लास होगी 12:30 बजे। उदिता राठौर, बेटा मैं बीमार हूँ, ठीक है, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, ठीक है, वरना बेटा मैं आपसे ज़्यादा चिंतित हूँ इन चीज़ों के लिए कि अगर ऐसा ना हो पाए तो मुझे तकलीफ़ ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। मुझे मालूम है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है और कितना ज़्यादा इस समय ज़रूरी है आप लोग के लिए पढ़ना, ठीक है। बेटा एक गलती हो गई है, रुक जाइए, एक गलती हो गई है, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, कहीं जाइए मत। ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, मुझसे एक गलती हुई है। कहाँ गया वो, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ बेटा, ये जो है ये गलत है बेटा। अपोनर अपोन घर, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है झारखंड ने नहीं, आसाम ने दिया है। आसाम की सरकार ने 2,50,000 रुपए की सब्सिडी दी है। सो राइट आंसर विल बी असम, नॉट झारखंड, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, गलती हो गया था, ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चों, गलती हो जाती कई बार मुझसे भी, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूं बेटा, एंड टू आर इज ह्यूमन, सुना होगा बेटा आपने, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग अक्टूबर करेंगे। तो कल क्या करने वाले हैं बेटा, कल हम लोग करने वाले हैं अक्टूबर, कल अक्टूबर 2019 होगा, और कल हमारा जो सीडीएस वाले बच्चे हैं, कल उनके लिए तो बेटा बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है, कल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, कल बेटा हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन करने वाले हैं 12:30 बजे, ठीक है। बेटा उसकी पीडीएफ नहीं है सर, आई मेंशनड ऑल द सीरियस क्वेश्चन सो फार, आई हैव करंट अफेयर्स लास्ट नाइट, दिस इज मच सफिशिएंट। शेरगिल जी, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है पहले से तो याद रखिएगा, अगर आप इतना भी कर लेते हैं मेरा तो फिर आपके 40 प्लस नंबर आ जाएंगे। आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और मेरा सिर्फ सीरियस के 500 क्वेश्चन किए और 360 यहां किए हैं तो आप पास हो सकते हैं, 20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अमोल कुमार, मैंने बता दिया मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ बेटा, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है बच्चा। अनमोल कुमार, मैंने बताया ना मैं बीमार हूँ बेटा थोड़ा सा, कल होगा बेटा, कल सेशन होगा। सुमेश कुमार, एग्जाम बार बार क्लियर करना पड़ता है क्या? नितिन पटेल, नहीं बेटा, एग्जाम बार बार क्लियर थोड़ा करना पड़ता है, एक बार करना पड़ता है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है GS बाई कासिफ अंसारी, ठीक है बच्चों। तो भाई सेशन को सब लोग एक बार लाइक तो दिखा दो, लाइक बटन, क्लास अच्छी लगी तो, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा सभी का क्लास आने के लिए, कल मिलते हैं, जब तक सब लोग अपना ध्यान रखेंगे
do take care of yourselves, और bye bye, जय हिंद, जय भारत, and वंदे मातरम, thank you.